बढ़ते संक्रमण के बीच बड़वारा महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के हित पर बड़वारा NSUI विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों छात्र छात्राओं ने स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर आवाज उठाई है। सोमवार को बड़वारा शासकीय महाविद्यालय में बड़वारा NSUI विधानसभा अध्यक्ष मोहम्मद इसराइल के नेतृत्व में सैकड़ों छात्र छात्राओं ने कुलपति के नाम प्राचार्य को ज्ञापन सौंपते हुए मांग रखी है कि महाविद्यालय में छात्र छात्राओं की परीक्षा ऑनलाइन के जरिए कराई जाए। बड़वारा विधानसभा अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन सदैव छात्र हितों पर आवाज उठाई है। एक बार फिर छात्रों की स्वास्थ्य सुरक्षा को देखते हुए NSUI मजबूती के साथ सैकड़ों हजारों छात्र छात्राओं के साथ खड़ी हुई है। जैसा कि सभी को पता है कि पूरे देश प्रदेश के साथ साथ कटनी जिले में भी लगातार कोरोना संक्रमण के बड़ी संख्याओं में नए मामले दर्ज हो रहे हैं। ऐसे में छात्र छात्राओं की परीक्षा सामूहिक रूप से कराना हानिकारक साबित होता है। सभी छात्र छात्राओं की आगामी परीक्षाएं ऑनलाइन ली जाए ताकि शासकीय महाविद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्र छात्राएं कोरोना संक्रमण जैसी महामारी से सुरक्षित रहे। दिए हुए ज्ञापन पर 7 दिन के भीतर कार्रवाई नहीं की जाती है तो NSUI चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगी, जिसकी जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी। इस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर बहुत तेजी से फैल रही है और यूनिवर्सिटी परीक्षा लेने में तुली हुई है। माना कि परीक्षाएं लेना सही है, लेकिन बच्चों के स्वास्थ्य से ज्यादा जरूरी नहीं है। इसी संबंध में आज कुलपति के नाम में हमने ज्ञापन दिया है और अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो चरणबद्ध तरीके से NSUI आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। और तिलक कॉलेज में आज प्रोफेसर जो वहां के प्रचार हैं उनको कोरोना हो गया, एक छात्र को हो गया, इसकी जवाबदारी किसकी होगी? अगर यूनिवर्सिटी जल्द परीक्षा स्थगित नहीं करके ओपन बुक प्रणाली से परीक्षाएं नहीं लेती तो इसके लिए चरणबद्ध तरीके से बहुत सारे आंदोलन किए जाएंगे और पूरे मध्य प्रदेश में किए जाएंगे। कटनी से प्रवीण कुमार पारेषर की ये रिपोर्ट।